ऐप पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये सेंटर में आ रहा हूँ मैं? नहीं नहीं थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, सेंटर पे हो जाए। जी जी दूसरी साइड पे अभी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरिंदर सिंह लाली साहब, हम सर को जो है वो टीवी चैनल्स पे भी देखा करते हैं, इसके अलावा ये स्पोक्स पर्सन भी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है PSG के, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच कि आ जा पाए, बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, हम तो सोच रहे थे कि हम आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस ही करेंगे, लेकिन आप तो एनवायरनमेंट पे भी बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी आपसे कभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट को? दूसरा, आपने जैसा कहा था कि आप 7 बार पाकिस्तान आ चुके हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको पाकिस्तान आके और पाकिस्तान के लोग, क्या वही एक आप समझे जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई एक नफरत चल रही है, क्या ऐसा कुछ आपने महसूस किया लोगों में? सबसे पहले तो मैं सबनु सत श्री अकाल और जियान कहना चाहूंगा, और मैं आपका प्रोग्राम बड़े दिल से देखता हूँ, स्पेशली जब आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ आते हैं और जो तमाम लोगों के साथ आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप जिस एक इनफॉर्मल वे से बात करते हैं ना, वो मुझे बड़ा अपील करता है, बिकॉज आई थिंक हमारी लाइफ में वैसे इतनी सीरियसनेस है, रॉ सीरियसनेस डाल के क्या करना है उसमें। और उससे पहले मैं आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आरजू जी जिस तरह की इन्वायरमेंट और कंट्री में आप इस दफा रह रहे हैं, वहां पे रह के और सिस्टम को चैलेंज करना, मैं क्या बोलूं, क्योंकि अब नानक की धरती से, तो नानक साहब ने 500 पहले कहा था स्पेशली खबातीन के बारे में कि सो क्यों मंदा आंख दे जित जम्मे राजान। इसका मतलब ये कि अब उस औरत की कैसे निंदा कर सकते हो, क्योंकि एक राजा जो सबसे पावरफुल माना जाता था उस जमाने में, वो भी एक औरत की कोख से जन्म लेता है। तो इस बात पे मैं आपके माँ बाप को, अम्मी अब्बू को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पंजाब की धरती पे एक शेरनी को पैदा किया है, जो पंजाब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठ के और आसपास के हर मिल्टैबलिशमेंट को चैलेंज करती है। और हम आपको अपनी अरदास में रखते हैं कि अब इसी तरह आईना दिखाते रहे, क्योंकि ये अंधों का शहर है, किसी को तो आईना दिखाना ही पड़ेगा। और सियासतदान आपको पता है वो वही करता है जहां से उसको वोट मिलती है। अच्छी बात है कि अब सियासत में अब तक नहीं, क्योंकि अब बाहर बैठ के जो काम कर सकती हैं वो सियासत में अंदर आके कोई नहीं कर सकता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और मैं जो भी कहूंगा एक बात को समझ के चलिएगा कि ऑफकोर्स 77 साल पहले मुल्क तो तकसीम हुए, पर उससे पहले तो कितने टाइम तक हम एक ही थे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो मैं करूँ उसको इस तरीके से देखा जाए कि एक इंडियन एक पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, हैं तो हम दोनों एक ही थान से कटे हुए हैं, तो क्यों ना वो बात ऐसे करें कि एक दूसरे को बुरा भी ना लगे और शब्दों का जादू और हम सब कह भी जाएं। तो उसमें भी एक शेर अर्ज है कि शब्दों को परोसने का सलीका सीख लीजिए साहब, आरजू जी शब्दों को परोसने का सलीका सीख लीजिए साहब, क्योंकि गुलाब भी ठीक से पेश ना करो तो कांटे चुभ जाते हैं। अब हम आते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब पे। मतलब सबसे बड़ी मोदी जी ने, उन्होंने बहुत सी चीजें अच्छी की, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज की कि उन्होंने किसी पॉलिटिशियन को ये पोर्टफोलियो नहीं दिया, क्योंकि वही बात है जब पॉलिटिशियन आता है तो वो फिर सबसे पहले अपनी सर अपनी वोटें लेके चलता है, और जयशंकर साहब इज अ करियर डिप्लोमैट, तो उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्हें राज्यसभा से लाया गया, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि फलानी कम्युनिटी की वोट मिले या ढिंगानी की। तो वो एक बड़े फोकस्ड आदमी, उन्होंने जो करना है उन्होंने करना है, और वो पाकिस्तान इस एजेंडा के साथ आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं SCO की मर्यादा रखूंगा, क्योंकि मैं ना आता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट एक मर्यादा होती है, एक डेकोरम होता है। पर मैं इंडो पाक विषय पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पे आपको पता है इंडिया ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि जब तक हम इस टेररिज्म के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे।
तो वो आ भी रहे हैं, वो नहीं भी आ रहे हैं। वो आ रहे हैं एक मर्यादा रखने के लिए, एक डेकोरम रखने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट रखने के लिए। वो नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किसी तरीके के बायलैटरल जिस तरह के वो बाकी कंट्रीज में जाके करते हैं वो करेंगे। तो मेरी समझ से ये कहता है। अब आपने कहा कि मैं बहुत दफा आया हूं, अब पाकिस्तान को समझना बड़ा मुश्किल है। वो एक नुसरत साहब की था कि तुम एक गोरख धंधा हो, तो समझ नहीं आता कि जब हम आते हैं तो इतना प्यार मिलता है इंडियंस को, पंजाबियों को, सिखों को, लेकिन फिर जब आप आके यहाँ पे वो जो एक्सपोर्ट कर देते हो मुंबई के लिए और उरी के लिए, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं हम कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ मेरे रब दा कर, दूजी तरफ मेरे यार दा, किस तरफ जावा ही खड़ा मैं विचार दा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां आके, लेकिन अफसोस होता है कि जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है, काश अगर पाकिस्तान ने जिस तरह की आप बस दफा कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स और धर्म का चूर्ण ना बनाया होता, तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान का पोजीशन है जियो पोलिटिकली, जिस हिसाब से आपके पास बॉर्डर्स हैं, आसपास ईरान है, सब कुछ है, तो अगर आप कुछ ना करते, सिर्फ एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एक कामयाब होने दें, तो पाकिस्तान और भी बहुत आगे जा सकता था। पर पाकिस्तान ने वो जो जिया उलग साहब के बाद और अयूब खान जी के बाद जो खिचड़ी पकी, वो ऐसी पकी कि उससे बाहर ही निकलना मुश्किल हो रहा है। भले वो तरीके लबैक हो या इमरान खान साहब भी सारी उम्र चूहे खा के फिर हज को चल पड़े और सडनली उनको फिर पिंकी पीरनी जी याद आ गई और तालिबान वो बन, तालिबानी खान वो बन गया और उन्होंने धर्म का चूर्ण भी बेचना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है और सबसे बड़ा पोटेंशियल ये कि आपके पास दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि हिंदुस्तान है। हमारी बातचीत से मैं, हमारा लिबास से मैं, मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा फंक्शन नहीं देखा जहां पे हिंदुस्तान के गाने ना चले हो या हिंदुस्तान से कपड़े ना आए हो या हिंदुस्तान की बात ना चली हो। और वो चीन से आप करते रहो, दूसरी पहाड़ों से भी बड़ी और समुद्र से भी नीचे, और हम हैं नहीं चाइनीज फूड वाले, हम हैं मक्की की रोटी सरसों का साग वाले ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से यारी डाल लेता है और समझ जाता है कि हमारा डीएनए तो एक है, तो पाकिस्तान की काफी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और उसके लिए अगर आप चाहेंगे मैं बाकी प्रोग्राम पे उस पर आऊंगा अगर आपको कोई और सवाल है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि सेकंड पार्ट पे हम सॉल्यूशंस की बात करें, फर्स्ट में हम प्रॉब्लम की करेंगे। तो आप बताना जब इंटरवल होगा तो मैं फिर सॉल्यूशन अपनी तरफ से दूंगा, अभी आप बोलिए। जी जी नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए। ये तो थोड़ा टीवी चैनल से डिफरेंट होता है, यूट्यूब इसमें तो इंटरवल या इसमें तो कमर्शियल नहीं आएंगे, लेकिन आप अपनी बात जारी रखिए क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपको सुनने के लिए ही हमने आपको इनवाइट किया है। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर भी इमरान खान साहब ने जो है उसको भी बनाया, या कह लीजिए कि इनॉग्रेशन इमरान खान के टाइम पर हुआ, आपको लगा कि कोई पॉजिटिव साइन था वो, या वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें भी कोई सियासत या पॉलिटिक्स नजर आती है? देखिए, सियासतदान इंडिया या पाकिस्तान हो, अमरीका हो या किर्गिस्तान हो, बिना सियासत के करता नहीं है, उसकी हर बात में सियासत तो होती है, बात को समझें। सियासत तो मैं इसमें दोनों बातें कहूंगा, पहले मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये किया करतारपुर का, पर इसमें हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस बहुत डरते थे कि अब ये ना हो कि इसके अंदर वो लोगों को भेज ना दे यहाँ पे, या हमारे लोगों को वहां पे, जो आपको पता है कि 1980 से चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये कोई बहुत छुपी हुई ढकी हुई सीक्रेट नहीं है कि बांग्लादेश के लिए आप लोग हमसे खफा तो हैं, आपने कारगिल भी ट्राई किया, तो आप बस दफा चीजें तो ट्राई करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ डर भी था कि जो हमारा इंडिया का यूथ वहां मत्था टेकने जाएगा, उस बॉर्डर पे जाएगा बिना वीजा के, अब उनको किसी तरह से ना बरगलाया जाए हिंदुस्तान के अगेंस्ट, तो दोनों तरफ था। इसलिए यहाँ के पॉलिटिशियन बड़े डरे हुए थे, वो कहते हैं अंग्रेजी में डैम्ड इफ आई डोंट एंड डैम्ड इफ आई डू। तो अगर नहीं जाते हैं तो कौम नाराज होती थी, क्योंकि 5 करोड़ हिंदुस्तान में नाम लेवा है, हमारे पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, तो इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकते। पर डरते ये थे कि अब पाकिस्तान की ISI वहां से ऑपरेट ना कर रही होगी, पता चलेगी वो गया तो था हिंदुस्तानी बन के, वो आया तो फिर वो थोड़ा सा दूसरी लाइन पे चढ़ पड़ा जो ISI ने उसे चूरन खिलाया हो। तो दोनों फीलिंग्स थी इसमें। लेकिन सर ये चक तो दोनों कंट्रीज में रहता है, हमारे यहाँ भी यही होता है कि कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान में भारत जो है वो कुछ लोगों को भेज रहा है और हम यहाँ से ये कहते हैं और वहां से आप भी कश्मीर का कहते हैं। राखी बात कर रहे हैं, राखी सर वही हमने पकड़ रखा है ना, बिठा रखा है, चाय पी रहा है आपका कुलभूषण,
तो उसकी बात की जाती है, लेकिन सर इससे आगे निकलना पड़ेगा दोनों कंट्रीज को। आपको नहीं लगता कि कब तक एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहेंगे? और ठीक है, मैं मानती हूँ पाकिस्तान की तरफ से कई चीजें ऐसी हुई हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि गलत हुआ है, लेकिन उससे आगे निकलने का कोई रास्ता है? आपको लगता है कि डायलॉग होने चाहिए, या आपको लगता है नहीं बातचीत से कुछ नहीं होने वाला? माजरे जी, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तो आगे निकल गया है ना, हिंदुस्तान को तो समझ आ गया है जिस चीज को आप कहते हो मफाद, तो हिंदुस्तान तो निकल गया। हिंदुस्तान तो अपनी इकोनॉमी थर्ड बिगेस्ट, फिफ्थ बिगेस्ट लेके और थर्ड हो जाएगा। हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सियाने हैं, तो हिंदुस्तान तो आगे निकल चुका है इस चीज से। आप देखो ना, हिंदुस्तान तो 8% की जीडीपी पे चल रहा है। मतलब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस समय इतनी हेफ्ट रखता है कि कहीं भी वॉर होती है तो फिलहाल मोदी साहब कॉमन है। मतलब कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो इस समय 20 घंटे की ट्रेन लेके यूक्रेन गया और दोनों से बातचीत है उनकी? तो हिंदुस्तान मेरे हिसाब से आगे निकल चुका है। आप हमारा जीडीपी देख लीजिए, आप हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग देख लीजिए। मतलब अभी भी आज भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, या इसराइल का एक्स प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा था इंटरव्यू में, तो वो खुद मानते हैं कि हिंदुस्तान के पास इस समय यूनिक पोजीशन है क्योंकि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडो पैसिफिक। प्लस अब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है और हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया सॉफ्ट पावर भी है जो हर मुल्क को चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो सारा कंप्यूटराइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब उससे ज्यादा तेज तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है, क्योंकि अब सिलिकॉन वैली चले जाए तो 40-45% 50% है ही इंडियन है, वो सत्य नदेला हो या गूगल हो या कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान आगे निकल गया, उसमें पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अब हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पे भी बहुत। आप भी जानते हैं, वो भले वो रा को बोले या का को बोले, अंदर प्रेशर आपके भी बहुत ज्यादा है। मतलब किस तरह से आज देखिए, आपके 2 चाइनीज भी मारे गए आपके यहाँ, किस तरह से टीटीपी एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, इमरान खान को अपनी टेंशन चाहिए, वो एससीओ जैसी चीज को सैबोटाज कर रहे हैं, कंटेनर वहां जगह जगह लगे हुए हैं, स्मोक के शेल छोड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब समझना पड़ेगा कि ये समय जाकिर नायब साहब को बुलाने का नहीं था। इस समय आप बुलाइए नोबल लॉरियर्स को, इस समय आप बुलाइए मैनेजमेंट के लोगों को कि आगे कैसे पाकिस्तान का यूथ डंकी का रूट ना ले और एमआईटी और हार्वर्ड का रूट ले, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की में जितना हमारी मिनिस्ट्री का या प्राइम मिनिस्टर्स का हाथ होता है उससे बड़ा हाथ है जो हिंदुस्तानी दुनिया भर में बसे हुए हैं। मतलब वो केड़ी गली जिथे पाबो नहीं फली, तो ऐसा कोई अमेरिका में मल्टीनेशनल कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉरपोरेशन ही नहीं है, वो नासा हो, लॉकहीड मार्टिन हो, शेल हो या डॉक्टर्स हो, जहां पे हिंदुस्तानी है नहीं। तो वो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसिंग पावर है जो वहां की लॉबीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो उस चीज में मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर यही यूथ जो ईरान से आगे पीछे से डंकी बन के जा रहा है, ये सारे बेचारे मीनियल जॉब कर रहे हैं, और अगर ये नहीं चाहते हैं तो ये कंट्री में आधे के गले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जैसे कि तारिक साहब कहते हैं ना अक्सर, और कि वो लौंडे लपाड़े जिनको बोलते हैं, तो लौंडे लपाड़ों को नहीं संभालोगे तो ये फिर काम ना कर दे कहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, तार साहब बिल्कुल इसी तरह से बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो भारत भी फेस कर रहा है, पाकिस्तान के पास तो खैर उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन आपने देखा कि कनाडा में किस तरह के प्रोटेस्ट हुआ करते हैं, किस तरह से खालिस्तान को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, और कई चीजों में आपको लगता है कि भारत की गवर्नमेंट उन चीजों को मैनेज कर पा रही है, उनको हैंडल कर पा रही है, और कनाडा की गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों कर रही है? आरजू जी, मैंने इसमें शायद 200 प्रोग्राम किए हैं कि मैं टोटली खालिस्तान को अपोज करता हूं। अब वजह यह है कि इसमें भी इट इज ऑल जियोपॉलिटिकल। अब क्या है कि अब मैं कंट्रीज के नाम नहीं लूंगा और थोड़ा ढकी छुपी बातें करूंगा कि मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद कैसे है, सर एक ऐड आती थी, तो वहां भी लॉबीज है जो हिंदुस्तान को तरक्की करने से रोकना चाहती हैं। वहां भी कंट्रीज नहीं चाहती कि इंडिया को यूएन में सीट मिले, क्योंकि देखो आपके हमसाए भी जरूरी नहीं कि आप भी तरक्की से खुश हों। तो वो एक हिंदुस्तान को रोकने का तरीका है, और वो थोड़ा सा जो मेस था उसमें पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों का हाथ है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 84 में एक जेनोसाइड हुआ, सिखों को बुरे तरीके से मारा गया, जलाया गया, छत से पटका गया।
अब उसकी जस्टिस अभी तक नहीं मिल पाई, और उसके करके बहुत से एलिमेंट जो इंडिया छोड़ के भागे थे वहां है, फिर वहां उनको कैनेडा और अमेरिका इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने में, क्योंकि अब जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें कोई, हम पंजाबी में कहते हैं कि घुसनमुखी की लड़ाई नहीं होती है, प्रॉक्सीज की लड़ाई होती है, तो वो उन्हें करते हैं। और वहां पे आईएसआई और पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट जो कि कैनेडा में है वो भी उनको फंड करते हैं, तो वो थोड़ा सा पेचीदा है। और इस चक्कर में मैं आपको एक बात बड़े दिल सीना ठोक के कहना चाहूंगा कि आप देखो कि हिंदुस्तान की फॉरेन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग निकली कि उन्होंने कनाडा से कहा कि हम नहीं नेगोशिएट करेंगे, अब जो भी हो, नो मींस नो, हमारा कनाडा के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल नीचे चला गया। वो जस्टिन ट्रूडो जो है, वो जो हमारा वो जो गुड लुकिंग सा मॉडल, उसको सियासत करनी नहीं आती, उसको उसके पिताजी ने भी यही किया था जब हमारा एयर इंडिया कनिष्ठ बॉम्बर गया था, उसने हमारे को सिर्फ हमारे से रिलेशन खराब करने में उसने कनाडा को डुबो दिया। क्योंकि आज एक बात को समझो आरजू जी, इंडिया से व्यापार नहीं करेंगे अब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का चैंपियन है। अगर आपने अपना दुनिया में कहीं माल बेचना है, अब टोटली व्यापारी की बात करते हैं, माल बेचना है तो चाइना के बाद, जो कि अभी क्लोज्ड इकोनॉमी है और चाइना भी अब थोड़ा सा परेशान है, और दुनिया में कहाँ है आप 140 करोड़ लोगों को अंडर वन डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना माल बेचने जा सकते, मुझे ये बताइए। तो इस चक्कर में कैनेडा और हमारे फॉरेन स्टूडेंट दुनिया भर में हर जगह फैले, मतलब वी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि जितने पैसे के लिए शहबाज शरीफ साहब बाहर पहुंच जाते हैं कुछ स्कूल लेके, उतना तो हमारी कंट्रीज में एक कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज से दुगना चला जाता है कि जहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं और वो कंट्री मना करती है, कहते हैं छोड़ दो कहीं और रुक कर लो, क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट यहाँ से कैनेडा भी जाता है वहां जाता है, वो मकान लेता है, वो फीसें भरता है और फीसें भी ज्यादा भरते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी कि मोदी जी और जयशंकर साहब उन्होंने बोला नो मींस नो, अगर आप इन एलिमेंट्स को नरिश करेंगे तो फिर हम आपसे भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और आज देख लीजिए रिलेशन साउथ चला गया है, पर हमारे माथे पे शिकन नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग हैं, बाद में सबसे हमारी रिश्तेदारी है। लेकिन सर कंपैरिजन बनता नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है और जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उतने तो आपके यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स हैं, तो आपके यहाँ अगर इकोनॉमी आपकी इस वक्त स्ट्रांग जा रही है, खैर उसके और रीजंस हैं, लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं या आपके स्टूडेंट्स जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो उस मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान में कुछ होता है तो बार बार भारत का नाम लिया जाता है, भारत में अगर खालिस्तान को लेकर अगर बात होती है बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई आप बलूचिस्तान के इशूज़ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को खुद देखना चाहिए कि आखिर वो लोग क्यों परेशान है। आपको नहीं लगता कि खालिस्तान की जब बार बार बात होती है तो सिख कम्युनिटी जो है उसको प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों खालिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें क्या शिकायत है भारत की गवर्नमेंट से, उस तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती? अर्जुन जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, एक बात रखे कि 1.4 बिलियन की जब आबादी रहेगी जहां 1200 लैंग्वेजेस होंगी डायलेक्ट मिला के, वहां गिला शिकवा तो चलता रहेगा, पर अब यह है कि फिर उसको जब बाहर की ताकतें फायदा उठाती हैं तो फिर वो बात थोड़ी और ऊपर तक उठ जाती है। तो ये तो हर कंट्री में है, अमेरिका में नहीं है ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की प्रॉब्लम, आपके हमीदियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों में शिया सुन्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, एंटी सेमिटिज्म भी तो है ये उसमें एंटी जूश, तो देर इज नथिंग एज अ परफेक्ट सोसाइटी बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी देर विल बी डिफरेंस इन ओपिनियन। बस ये है कि फिर कई दफा कुछ ताकतें होती हैं जो आपकी तरक्की से नहीं खुश होती है, तो फिर वो जो दरार होती है उस दरार के अंदर हाथ डाल के उसको पूरा फाड़ने की कोशिश करते हैं। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि जब बलूचिस्तान में जो कुछ होता है तो आई फील के हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वहां के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी वो क्या कह रहे हैं, बजाय इसके हम ये कहें कि भारत वहां पे कुछ कर रहा है या भारत के लोग वहां पर कोई इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यही चीज खालिस्तान के ऊपर भी आ जाती है कि जब लोग खालिस्तान के लिए बात करते हैं तो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर या किसी के ऊपर भी नाम लेने से पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उन लोगों से पूछती क्यों नहीं है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसा करने से सर मसला हल नहीं होगा। कि आप पाकिस्तान को कह दें या पाकिस्तान आपको कह दे, चीजें वही रहेंगी, उसी तरीके से प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं और सारा कुछ हो रहा होता है, जो कि जाहिर है किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। अर्जुन जी मैं एक सिख कौम से हूं और मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मैंने कभी हमारे आसपास खालिस्तान का इशू नहीं सुना, ये है अमेरिका कनाडा में ही है,
हम बहुत खुशी से रह रहे हैं, हम अपना चौड़े होके रह रहे हैं, हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है। और मोदी जी तो सिखों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और करतारपुर में भी उनका इनिशिएटिव था, और बाकी भी स्टेट्स बाकी भी सिखों के लिए वो करते हैं, वो गुरुद्वारे कितना जाते हैं या वो कौम के लिए करते हैं, ब्रिजेस बनवाते हैं, करते हैं। पर अब ये बात है कि कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, जो कि खफा हैं, क्योंकि पहले जो हिंदुस्तान में कुछ गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की, अभी उसी का मलबा है, जैसे आप लोग अक्सर मलबा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसी का मलबा है, जब साफ कर रहे हैं वो साफ हो जाएगा। बट इंडिया में ये इश्यू नहीं है, ये इश्यू इंडिया के बाहर है, और वो बाहर लोग उठाते हैं। और मैंने जब पीछे कनाडा में जाकर इश्यू को स्टडी किया, तो आधे से ज्यादा उठाने वाले वो लोग हैं जो इंडिया आए नहीं है कभी, वो उन्होंने अपने माँ बाप से बातें सुनी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में लोगों ने कहानियां सुनी थी पार्टीशन की, तो उन्होंने ऐसे ही नफरत पालनी शुरू कर दी थी। वो तो चलो अब सोशल मीडिया आया, तो बहुत से लोग हैं जहां देखो जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनका तो जन्म भी इतना पुराना नहीं है, पर वो इसलिए कि उनको बाहर की ताकतें इस्तेमाल करती हैं, और वो फिर वहां के इलेक्शन पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, क्योंकि सिख एक बड़ी अमीर कौम है, और फिर वो पॉलिटिशियंस उनकी तूती बजाते हैं पार्लियामेंट में जाके। तो ये इंडिया में मसला नहीं है बिल्कुल भी, ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर ही है, और जबकि 80-95% तो सिख हिंदुस्तान में ही रहता है, तो हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट मैंने अपने आसपास कभी किसी डिस्कशन में नहीं सुना है कि हमें फलाना है, हम तो स्टेट का नाम भी नहीं लेते, हम तो मौज ले रहे हैं जिंदगी की, इतनी इकोनॉमी है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी इंडस्ट्री है, हर जगह बूम आ रहा है इस कंट्री में। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी बॉर्न इन इंडिया, 8% ग्रोथ कहाँ है, तो हमें तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बट बाहर के लोग हैं वो टीवी पे हल्ला करते हैं, बस उसको नहीं रोक सकते हम, ठीक है थोड़ा नजर नहीं लगती, ऐसे लोग चाहिए हम। लेकिन सर लास्ट में यही पूछूंगी, आपकी अपोजिशन इतनी नाराज क्यों रहती है आपकी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टीज हो, वो आपकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उससे इतना ज्यादा नाराजगी किस बात की, अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है? शायद इसीलिए नाराज है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। और वो अपोजिशन ही क्या, वो अपोजिशन ही क्या जो अपोज ना करे, क्योंकि अगर मैंने अपोज नहीं किया तब तो मेरी शख्सियत ही खत्म है ना। तो अपोजिशन का काम तो है अपोज करना। एक बार हमारे लालू जी से पूछा गया था कि आप फैमिली प्लानिंग की बात करते हो और आपके 8 बच्चे हैं 9 बच्चे हैं, तो ये कहां से क्यों है ये, कहते अरे तब हम अपोजिशन में थे ना, तो ये अपोजिशन में है, तो उनका काम ही अपोज करना है। लेकिन सर अपोजिशन का काम खैर ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिल के जो है वो कंट्री के लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ उनके अगेंस्ट ही चलते रहे। दिस इज व्हाट आई, तो मिलके आरजू जी मिलके कर तो रहे हैं। आप देखो जो भी आज हरियाणा के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें, और जो महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में, वहां तो अपोजिशन का ही लग रहा है। एटलीस्ट मैं ये खुश हूँ कि हमने आपकी तरह अपोजिशन को जेल में तो नहीं डाला हुआ है ना, हमारे अपोजिशन कर रही है, ठीक है। अभी 2-3 टर्म जीते हुई है मोदी की, उससे पहले अपोजिशन ही पार में रही है, 40-50 साल तो कांग्रेस ही रही है। सर वो क्या नाम है उनका, केजरीवाल सर थे ना सर, वो जेल में, ऐसी क्या बात है, आप लोगों ने भी अपोजिशन को जेल में डाला है, सिर्फ हमने थोड़ी डाला है। मैं ना उस पार्टी का पहला कैंडिडेट था चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसके लिए हम अलग प्रोग्राम करेंगे। वो भी कमाल आदमी है वैसे, वो भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, वो मतलब उनमें भी प्यास की तरह इतनी पढ़ते हैं कि वो कभी फिर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक एपिसोड चाहिए। बिल्कुल सर। और हमने अपोजिशन में उनको नहीं डाला, उनको कोर्ट्स ने डाला है। मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील हायर करते हैं, और उनको हमने नहीं कोर्ट्स ने डाला है। तो सर इमरान खान को भी कोर्ट्स ने डाला है, उनको भी कोई पीएमएल ने या गवर्नमेंट ने नहीं डाला, उनको भी कोर्ट्स ने डाला, उनके ऊपर भी केसेस ही है सर, वो गवर्नमेंट ने ऐसे उठा के नहीं उनको अंदर बंद कर दिया। तो ये चीज तो सर लानी पड़ती है ना, कोई केसेस तो बनाने ही पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कैसे कैसे। जिस तरह आपके जजेस का फेवरेटिज्म रही और वो फोन कॉल चलती रहती हैं जो जर्नलों की बीवियां करती थी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कोर्ट अभी भी बड़े इंडिपेंडेंट हैं, और आप देख लीजिए जी अरविंद केजरीवाल जी बाहर ही हैं, वो अंदर रहे हैं 2 महीने, तो बाहर ही है, नेशनल पार्टी के उनके पास स्टेटस है। रिजाइन भी तो कर दिया उन्होंने, बाहर आते ही रिजाइन कर दिया बेचारों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने कहा, क्योंकि पिछली बार उनको कोर्ट ने कहा कि जो आपके एंटीसेंस रहे हैं, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, तो हम आपको बेल दे रहे हैं, पर आप फिलहाल सीएम हाउस ना जाएं, क्योंकि आपका मैटर अभी सब जुडिस है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर सर हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में अमन रहे और अच्छी चलती रहे, चाहे पोजीशन के साथ काम करें या ना करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, क्या आज आपने ज्वाइन किया। और एक सजेशन देना चाहूंगा मैं जी,
कि मेरी मेरी जो ओपिनियन है कि अगर पाकिस्तान को कहते हैं ना अंग्रेजी में दिस इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड एंड पे स्केल, कि देखो अब जो आपने इस्लाम का चूर्ण बना दिया वो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप सारी उम्र कहते रहोगे कि चाचू अच्छे नहीं है, चाचू अच्छे नहीं है, चाचू अच्छे नहीं है, फिर आप एक दिन पलट के तो नहीं कह सकते कि चाचू अच्छे हैं, घर में औलाद दिखेगी। तो जैसे आपने हिंदुस्तान को एक एनिमी बिल्ड कर दिया आर्मी ने, अब वो तो पलट नहीं सकते। तो उसका जो मैं समझता हूं कि एक ऑल्टरनेट तरीका ये है कि व्यापार मत बंद कीजिए, क्योंकि जहां व्यापार होगा जहां खुशहाली होगी। अब देखो चाइना का भी ताइवान के साथ है लेकिन व्यापार चल रहा है, हमारा चाइना के साथ डिफरेंस ओपिनियन है, व्यापार चल रहा है, अमेरिका के चाइना से विचार नहीं मिलते, व्यापार चल रहा है। तो जहां पे व्यापार चलेगा, जहां पे खुशहाली आएगी, जहां पे नोट आएंगे, वहां फिर समाज बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है, और अपने आप आपकी जो फाइनेटिज्म है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगी। ये मेरे 2 सेंट्स हैं आरजू जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और हमसे बहुत गलती हुई थी कि इमरान खान के टाइम पे हम लोगों ने ट्रेड बंद की थी, और अब हम दोबारा उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आपकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा, खुद लेकिन ही वो खुद ही खुद ही सवेरे खोला था, खुद ही शाम को बंद कर दिया, मतलब वो तो मजेदार काम था बड़ा वो तो। सर क्या कहें, हमारे पॉलिटिशियंस कुछ ऐसा ही है, लेकिन आई होप कि जल्दी कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इंशाल्लाह किया, और इंशाल्लाह बिल्कुल, और इंशाल्लाह। सर जल्दी आपसे फिर मुलाकात भी होगी, बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है। बहुत सत शुक्रिया, श्री अकाल थैंक यू, सत श्री अकाल सत सत श्री श्री अकाल, अकाल। थैंक यू सर।